नमस्कार, तेज हरियाणा के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। हरियाणा में जबरदस्त ठंड ने इस बार चौंकाया है। पहली बार जनवरी में 11 दिन लगातार ठंडे और शाम तक बूंदाबांदी के आसार है। दो दिन राहत, फिर शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। हरियाणा में लोग लगातार 11 दिन से हार्डफोर ठंड का सामना कर रहे हैं। मंगलवार सुबह ठंड से मामूली राहत मिली, लेकिन घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। सुबह के समय कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोहरा पानी की तरह टपका है। ये पहला मौका है जब प्रदेश के लोगों को 11 दिनों तक लंबी सूखी ठंड से जूझना पड़ रहा है। 11 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होगा और कुछ ही इलाकों में बूंदाबांदी देखने को भी मिलेगी। इसी बीच 4.6 डिग्री न्यूनतम पारे के साथ नारनौल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में ओवरऑल 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। लोग अभी भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 6 सेंटरों में तापमान जहां 9 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हुआ, वहीं पर 5 जिलों में ये 8 से 9 डिग्री रहा है। अब केवल नारनौल और भिवानी ही ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पारा 5 डिग्री से नीचे है। मौसम विभाग का आंकलन है कि 11 जनवरी से अगले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। हालांकि इन दिनों में कोल्ड डे तो नहीं रहेगा, लेकिन आधे से ज्यादा हरियाणा घने कोहरे की चपेट में जरूर होगा। बुधवार को कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक में ठंड का कुछ प्रभाव बना रहेगा। हालांकि शाम से कुछ ही इलाकों में मौसम बदलेगा और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि बुधवार को एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत में पड़ने वाला है। इससे हरियाणा के कई जिलों में 3 दिनों तक हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश होती है तो लोगों को सूखी ठंड से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम 11 जनवरी दोपहर बाद से 13 जनवरी तक परिवर्तनशील रहेगा। बीच बीच में आंशिक बादलवाही रहने की संभावना है। हवा में बदलाव, उत्तर पश्चिमी से प्रवाही होने की संभावना, इससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ सकती है। राज्य के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जिलों में 11 जनवरी देर रात्रि 12 जनवरी को कहीं कहीं बूंदाबांदी से हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वेदर एंड क्लाइमेट नॉर्थ इंडिया ने जानकारी दी है कि 11 जनवरी को पंजाब के सभी भाग, हरियाणा के कुछ एक भाग में शाम के समय बादलों के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखी जा सकती है, जबकि 12 और 13 जनवरी को पंजाब के कुछ भाग और हरियाणा दिल्ली एनसीआर के कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 13 जनवरी की शाम से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होकर आगे निकल जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर 14 जनवरी से कड़ाके की ठंड शुरू होगी और 16-17 जनवरी को पूरा उत्तर भारत एक बार फिर से जबरदस्त ठंड की चपेट में आ जाएगा। सुबह का तापमान कई जगहों पर 0 डिग्री तक देखा जाएगा। फिलहाल हरियाणा के मौसम अपडेट में इतना ही। आप अपने बुजुर्गों का, बच्चों का रखिए ख्याल। जुड़े रहिए तेज हरियाणा के साथ। शुक्रिया।